Hello everyone, welcome to another video. So this is episode number 4 of web development series, and for those who are new, I will let you know that we have launched a free web development playlist on YouTube in which you can learn web development from very basic, and we will cover all the fundamentals and many projects in this playlist, so stay tuned. In this video, I am going to cover HTML boilerplate, or you can say basic structure of HTML. HTML code लिखना हमने सीख लिया अपने लास्ट वीडियो में, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर एवरी लाइन कि आप कैसे हमारी कौन सी लाइन किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, व्हाट आर टैग्स, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, एंड वी विल लर्न अ लॉट मोर इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड एंड हियर इज द इंट्रो. हाय, आई एम प्रगति साहू. स्क्रीन पे तो दिस इज द प्लेलिस्ट. हम सभी तीन वीडियोस कवर कर चुके हैं एंड दिस इज द फोर्थ वीडियो. अभी तक हमने सीखा कि कैसे हम सीएसएस फाइल को इंटीग्रेट करते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल को इंटीग्रेट करते हैं, और क्या हम एचटीएमएल में देखते हैं, वीएस कोड क्या होता है, ये सब हम चेक कर चुके हैं. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमने एचटीएमएल कोड लिखा था उसको बिल्कुल इन डेप्थ जाके समझेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे कि एक एक लाइन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या मतलब होता है, एचटीएमएल कब लिखते हैं, हेड टैग कब लिखते हैं, बॉडी टैग क्या होता है, और कैसे हम उसको यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने एक कोड आपको दिख रहा है मेरे स्क्रीन पर, इस कोड में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर हमने एक HTML कोड यूज किया है, और आपकी सुविधा के लिए, सब लोगों के लिए, मैंने अपने कोड को सेग्रीगेट किया है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस. तो आपको फोल्डर मिल जाएगा नीचे, एंड उस फोल्डर में आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगी, वीडियो 1, वीडियो 2 एंड दिस लाइक दिस. तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हो, उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हो किस वीडियो का क्या कोड है, एंड कोड आप एक्सेस कर सकते हो विद इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 एंड वीडियो 4. तो वीडियो 4 में हम आ चुके हैं, तो वीडियो 4 में मैं जल्दी से एक अपना फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, इंडेक्स और एचटीएमएल. इंडेक्स और एचटीएमएल में हमें पता करना है अपना बॉयलर प्लेट है, यानी कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर. एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये हमारा एक मेन बेसिक स्ट्रक्चर है एचटीएमएल कोड का. सबसे पहले हम बताते हैं अपने ब्राउजर को कि भाई जो हम कोड लिख रहे हैं वो एचटीएमएल में लिख रहे हैं. एचटीएमएल क्या होता है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है. ये हमारा स्ट्रक्चर बताएगा कि क्या हमारा वेबसाइट पे टेक्स्ट होगा, क्या हमारा कलर होगा, क्या हमारे ब्लॉक्स होंगे, कैसे हमें ऊपर नीचे कैसे करना है, सब कुछ ये बताएगा एचटीएमएल. तो एचटीएमएल हमने लिख दिया, एचटीएमएल में हम सीएसएस इसी में इंटीग्रेट करते हैं. इतना आपको समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात है. अब इसके बाद आपको एक छोटे सा काम करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये पूरा कंटेंट आपके लिए फ्री है, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियोस के लिए अपडेटेड रहो. तो आपको सब्सक्राइब करना है एंड प्लेलिस्ट पे आपको अपने बुकमार्क करना है प्लेलिस्ट को. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, एचटीएमएल टैग. ये जो हमारा एचटीएमएल टैग है, जिसमें लैंग्वेज बताया कि लैंग्वेज हम इंग्लिश यूज करने वाले हैं, ये होता है एक टैग. एचटीएमएल में कुछ होते हैं टैग्स, कुछ होते हैं एट्रीब्यूट्स. टैग्स क्या होते हैं, टैग्स होते हैं जिसमें हम बताते हैं कि भैया हमने ये ब्लॉक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ब्लॉक है, एचटीएमएल ब्लॉक है, मैंने इसको ओपन किया. यहाँ पर इसको ओपन कैसे करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स की हेल्प से हम एचटीएमएल में ओपन कर सकते हैं बहुत ईजिली. ये हमने ओपन किया एचटीएमएल का, एचटीएमएल का टैग ओपन किया, और मैंने इसमें बताया भाई लैंग्वेज जो है ना वो आपको यूज करें इंग्लिश. तो ये हो गया एट्रीब्यूट, ये हो गया एट्रीब्यूट. इसको हम बोलते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये हमारा लैंग्वेज बता रहा है उस एलिमेंट का कि भाई एलिमेंट की जो लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं. नेक्स्ट हमारा कौन सा टैग आ रहा है, हेड टैग आ रहा है. एचटीएमएल के अंदर मैंने यूज किया दो टैग्स, एक हमारा हेड टैग है और एक हमारा बॉडी टैग है. अब पहले समझते हैं हेड टैग. हेड टैग में हम वो सारी चीजें डालते हैं जो एक वेबसाइट के लिए ब्राउजर को बताने की जरूरत है. जैसे कि हम इसी हेड टैग को यूज करेंगे अपनी सीएसएस फाइल को इंटीग्रेट करने के लिए विद एचटीएमएल कोड. हमने यहीं पर इसको इंटीग्रेट किया हुआ था लाइक दिस, href style.css. css फाइल हम बनाएंगे एंड हमारा जो है ये स्टाइल शीट लाइक दिस, वी हैव डन दिस. और ये हमारा जो लिंक टैग है, ये हमारा नॉन क्लोजेबल, मतलब इसको क्लोज नहीं करना होता है. जैसे हम यहाँ पर हेड टैग को ओपन करके क्लोज कर रहे हैं, बॉडी टैग को ओपन करके क्लोज कर रहे हैं. क्लोज कैसे करते हैं, विद दिस स्लैश इसके हम क्लोज करते हैं. लेकिन यहाँ पर हम लिंक टैग को क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम टाइटल टैग को क्लोज कर रहे हैं, हम मेटा टैग को क्लोज नहीं कर रहे हैं. तो एचटीएमएल में ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, कौन से टैग क्लोज होते हैं, कौन से टैग ओपन रहते हैं, जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो ज्यादातर टैग्स ऐसे हैं जिनको हमें क्लोज करना पड़ता है. अब टाइटल टैग क्या होता है, ये टाइटल हमको बताता है कि आपकी जो वेबसाइट, आपका ब्राउज़र वेबसाइट, उसका टाइटल क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं इस कोड को रन करते हैं, हमने सीखा था लाइव सर्वर से कोड को रन करना, मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया, नाउ ये ओपन हो रहा है. तो ये हमारा जो
वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है ब्राउजर में, तो ब्राउजर में जो आपको डॉक्यूमेंट लिखकर आ रहा है ना ऊपर, ये होता है हमारा टाइटल। जैसे कि ये हमारी वेबसाइट थी यूट्यूब की, तो यूट्यूब पर भी आप देखो तो यहाँ पर कुछ लिखकर आता है, उसका आइकन बना हुआ है, यहाँ पर लिखकर आ रहा है अल्टीमेट बिगनर्स गाइड टू वेब डेवलपमेंट। तो ये क्या है, टाइटल हमारी उस वेब पेज का। अगर मैं इस वेबसाइट पर क्लिक करूँ, इस वीडियो पर क्लिक करूँ, तो वीडियो का टाइटल लिखकर आ रहा है ऊपर, देखो ऊपर टाइटल लिख रहा है। तो यही टाइटल टैग होता है जो हमारा HTML में हम लिखते हैं इनसाइड द हेड टैग। तो हमें याद रखना है, जब भी हम कोई वेब पेज बना रहे हैं तो हमको याद रखना है कि हमें टाइटल देना है, कि हमें टाइटल देना है विद रिस्पेक्ट टू आर वेब पेज। तो मेरा वेब पेज यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, मुझे इसको चेंज करना है, वेब डेवलपमेंट लिखना है, तो यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट को चेंज कर सकते हैं। ये हमारा होता है टाइटल टैग। अब आ जाते हैं बॉडी टैग पे। अभी तक हमारी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल खाली खाली लग रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी व्हाइट बिल्कुल बैकग्राउंड बना हुआ है, हमने कुछ ऐड ही नहीं किया क्योंकि हमने अभी तक बॉडी टैग में कुछ दिया ही नहीं। तो जब भी हम अपनी बॉडी टैग में कुछ भी एलिमेंट देंगे या हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो हमारा दिखेगा हमारी मेन स्क्रीन पे। जैसे कि मुझे यहाँ पर लिखना है, एक हेडिंग देनी है, तो हेडिंग देने के लिए हम यूज करते हैं हेडिंग टैग्स। या मैंने H1 लिया, H1 इज द बिगेस्ट हेडिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं हेडिंग्स क्या होती है। अभी के लिए आपको ये है कि मैंने हेडिंग दी है, लेट सपोज वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स, एंड उसके नीचे मुझे लिखना है एक पैराग्राफ देना, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पैराग्राफ टैग होता है उसको यूज किया है। पैराग्राफ टैग में मुझे लिखना है कि अभी हम कौन सी वीडियो पढ़ रहे हैं, अभी हमारा एपिसोड नंबर फोर HTML बेसिक स्ट्रक्चर। ये हमारी हो गया वीडियो का टाइटल, ठीक है, ये मैं लिख दिया। अब मुझे इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर लाइव सर्वर पर हमारा सब कुछ आ गया कि हमारी हेडिंग आ गई, तो हेडिंग सब ऐसी दिखती है। हमने हेडिंग लिखा तो अपने आप इसने बोल्ड कर दिया, पैराग्राफ लिखा तो पैराग्राफ अपना बोल्ड कर दिया। उसकी प्रॉपर्टीज कैसे आई, कैसे इसने किया, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हेडिंग्स क्या होती है, पैराग्राफ्स क्या होते हैं। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अभी जो H1 है ये भी टैग है, ठीक है। अगर मैं इस पर होवर करूँ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, H1 एलिमेंट रिप्रेजेंट अ सेक्शन हेडिंग। अगर मैं पैराग्राफ पे होवर करूँ तो पैराग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराग्राफ को, द बॉडी एलिमेंट रिप्रेजेंट द पैराग्राफ। यहाँ मैंने बॉडी टैग, ये सब कुछ हम कस्बे के अंदर कर रहे हैं, HTML के अंदर कर रहे हैं, इसलिए हमने HTML को बिल्कुल लास्ट में क्लोज किया हुआ है। बॉडी टैग है, हेड टैग है, सब कुछ मेरा HTML के अंदर हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो हमने इंटीग्रेट किया था जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट को भी हमने समवॉट लाइक देसी किया था, लेकिन इसको हमने किया था बॉडी टैग में। ये हमारी लास्ट वीडियो का कोड है, स्क्रिप्ट SRC script.js, जिसमें हमने एक script.js नाम की फाइल बनाई थी। अभी हम फिर से बनाएंगे अपने वीडियो फोर के फोल्डर, मैंने इसको क्लोज किया, एंड नाउ आई विल क्लोज द स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग इस फॉर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जब भी हमें स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है अपने फाइल में, अपने HTML में, तो हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग। अगर हमको CSS ऐड करनी है अपने HTML में तो हम उसको एक्सटर्नल CSS से लिंक भी कर सकते हैं, इंटरनल CSS भी लगा सकते हैं, इनलाइन भी लगा सकते हैं। अभी CSS तीन तरीके से कैसे लगाएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे कोर्स में। अभी के लिए हम जल्दी से अपनी style.css और script.js बनाकर देखते हैं एंड रन करते हैं। style.css मैंने बनाई है, इसमें मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पूरे वेब पेज को एक बैकग्राउंड दूँ, ठीक है, एक बैकग्राउंड दूँ। मैंने लेट सपोज कलर दिया मैंने येलो, तो यहाँ पर मेरा कलर चेंज हो गया पूरे मेरे वेब पेज का। नेक्स्ट मैं इसी वीडियो के फोल्डर में मैं अपना एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाती हूँ, script.js, जो कि मैंने इंटीग्रेट करके रखी है ऑलरेडी। एंड इस फाइल के अंदर मैंने लिखा लेट सपोज अलर्ट आई एम इन द कोर्स। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डू कमेंट ऑल्सो डेट यू आर इन द कोर्स और नॉट, एंड यू आर एंजॉइंग और नॉट, डू राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लव इट। तो यहाँ पर आ गया आई एम इन द कोर्स, इसको जरा रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हो रहा है, ऑलरेडी लोडिंग हो रही है, ओके करके देखते हैं। अब आ गया आई एम इन द कोर्स, वो रिफ्रेश हो रहा था बिकॉज आई वॉज राइटिंग एट दैट टाइम, तो इसने आई एम इन द लिया। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ वेबसाइट। सो अभी आने वाले टाइम में मैं और भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। अभी के लिए आप प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए, वीडियो को बुकमार्क कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि अब वेब डेवलपमेंट के हम अगले सिरे पे पहुंचने वाले हैं, जहाँ पर HTML CSS की वो फंडामेंटल्स हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।